नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज हम बात करेंगे गर्मी फुल बिजली गुल। जी हां, राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में बिजली का क्या हाल है, शहरों से लेकर गांव में किस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है, इसकी आज आई इंडिया पड़ताल करेगा। और आपको बता दें, सबसे पहले आई इंडिया आपको लेकर चलता है उस लहरपुर इलाके में जहां से सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस इलाके में बिजली का क्या हाल है हम बताने जा रहे हैं आपको लहरपुर में, क्योंकि लहरपुर से जो खबरें हमारे पास आ रही हैं ग्रामीण इलाके में खासकर बिजली व्यवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, किसानों को सिंचाई करनी है, पानी नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में बिजली न होने के कारण मरीजों का बुरा हाल है। आज आई इंडिया लहरपुर इलाके की पड़ताल कर रहा है और हमारे साथ इस समय लहरपुर तहसील के आई इंडिया संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरुण सिंह आचार्य, ये बताइए कि लहरपुर कस्बा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बिजली के क्या हाल हैं? आपने लोगों से बातचीत की होगी, क्या दर्द निकल करके सामने आ रहा है? जी भैया, रमजान के महीने में चूंकि मुस्लिम बाहुल्य नगर है, यहाँ पर रमजान का महीना चल रहा है और बिजली की किल्लत ने रमजान के रोजेदारों को बहुत परेशान कर रखा है। ग्रामीण अंचल में बिजली की आपको 6 से 7 घंटे महज मिल रही है और नगर क्षेत्र में 12 से 14 घंटे तक। रोस्टिंग की कोई टाइमिंग नहीं है, जब जी आता है तब रोस्टिंग कर दी जाती है, कोई प्लान नहीं है इन लोगों का। हमने यहाँ के उपखंड विद्युत अधिकारी से भी बात की, उन्होंने सारा ठीकरा ऊपर के लोगों पर छोड़ा और ये भी बताया कि हमारी कई परियोजनाएं जो बिजली उत्पादन कर रही है उनके क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 2/3 ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से क्यों आखिर बिजली की दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री AK शर्मा सीतापुर के नैमिष शरण में पहुंचे थे, उनसे भी जानकारी की गई थी, उन्होंने भी यही बात बताई थी कि जो प्राकृतिक और तकनीकी खराबी के चलते कई बिजली इकाइयां ठप हो गई थीं, क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिन पर काम चल रहा है बहुत जल्द ही बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। लेकिन जो ये गर्मी का मौसम है, ऐसे में एक तो रमजान का आपने जो नमाजी थे उनका दर्द बताया, लेकिन अगर और बात करें अरुण सिंह आचार्य, ऐसे में बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही इस समय हैं और किसानों को अपनी फसलों के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता होती होगी, तो उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? एक तो बिजली की आपूर्ति समय से नहीं हो पा रही है, दूसरे डीजल के महंगे दाम ने किसानों की दोनों तरीके से कमर तोड़ दी है। विद्यार्थियों को जो पढ़ने का जो समय है उस समय खासकर बिजली काट दी जाती है, जिसके चलते उनको लैंप और लांटेन से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जो इन्वर्टर लाइन है वो भी समय पर चार्ज न होने के कारण बढ़िया सेवाएं नहीं दे पा रही है। इस नाते छात्र भी छतों के ऊपर बैठे हुए रात के समय अध्ययन करते देखे जा सकते हैं, जो लैंप का सहारा ले रहे हैं, जो बहुत दिनों की बात ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है देखने में मिल रहा है। बिल्कुल, काफी दिनों के बाद बिजली की इस किल्लत से हर किसी को दो चार होना पड़ रहा है, तो इसलिए और भी तकलीफ लोगों को लग रही है। और हमने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, उनका दर्द जानने का प्रयास किया। आप भी सुने लहरपुर वासी बिजली किल्लत को लेकर क्या बोले। बिजली की बहुत दयनीय स्थिति है, बड़ी समस्या है, मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली मिल पाती है इस गर्मी के मौसम में। सभी परेशान हैं और बार बार कटौती मतलब आती है, मुश्किल से 15 मिनट के लिए, 1/2 घंटे के लिए फिर चली जाती है, यही समस्या है। पिछले एक महीने से ग्रामीण लहरपुर ग्रामीण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था एकदम से चरमरा गई है।
ऐसा पिछले 5 साल में कभी नहीं रहा था। 24 घंटे में मात्र 6 से 7 घंटे ही बिजली हम ग्रामवासियों को मिल पाती है। रात में 1 या 2 घंटे के लिए लाइट आती है, वो भी कई बार कटौती होने के बाद। और इस समय गर्मी के सीज़न में हमारे यहाँ शेरपुर फीडर से बिजली की जो सप्लाई होती है वो उसकी दशा बहुत ही दयनीय है। आपने सुना लहरपुर वासियों को। अब हम आपको लहरपुर के SDO ने क्या कुछ जानकारी दी, बिजली की क्यों दिक्कत हो रही है, हमने दोनों पक्षों को जानने का प्रयास किया। तो आइए सुन लेते हैं कि SDO का क्या कुछ कहना है, उनको भी सुनते हैं। जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ यूनिटें बंद हो गई हैं कोयले की सप्लाई की वजह से। कोयले की सप्लाई कम हो पा रही है जिससे 2-3 यूनिटें बंद हो गई हैं, तो 2/3 लगभग बिजली जो है मिल पा रही है, जिसकी वजह से रोस्टिंग इमरजेंसी रोस्टिंग कंट्रोल से की जा रही है, जिसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है। आपने सुना लहरपुर तहसील इलाके की बिजली समस्या को। और हमारे संवाददाता लहरपुर के अरुण सिंह आचार्य हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने हम तक वहां के क्षेत्र की समस्या को बताया। और हम उम्मीद करेंगे कि समस्या को जिले में बैठे अधिकारी जरूर सुनेंगे, जरूर देखेंगे और वहां की समस्या को वो जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही वो जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने सर आंखों पर बिठाया है वो भी ध्यान देंगे। सांसद राजेश वर्मा का ये क्षेत्र आता है, उनकी प्राथमिकताओं में रहना चाहिए ये क्षेत्र। हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए बिजली की समस्या को लेकर जो बनी हुई समस्या उसको दूर कराएंगे। फिलहाल अरुण सिंह आचार्य, आपने हमको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीतापुर में गर्मी फुल बिजली गुल, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लहरपुर तहसील के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधे महमूदाबाद तहसील। और ये इलाका जो है शिक्षा का हब कहा जाता है और बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में बिजली की क्या स्थिति है। हमारे साथ महमूदाबाद तहसील से आई इंडिया के संवाददाता आयुष जैन जुड़ चुके हैं। आयुष, ये बताइए कि महमूदाबाद में अगर बात करें तो शहरी इलाके में कितनी बिजली मिल रही है लोगों को, और ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो वहां पर कितनी बिजली मिल रही है, और जब बिजली कम आ रही है तो क्या क्या परेशानियां सामने आ रही लोगों के। जी पंकज जी, मैं आपको बताऊं कि महमूदाबाद जो तहसील है वो सीतापुर सबसे महत्वपूर्ण तहसील है। यहाँ पर अगर बिजली की बात करें, चूंकि शहरी क्षेत्र में लगभग 10 से 12 घंटे केवल महज 10 से 12 घंटे शहरी क्षेत्र को ही विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर तो हालत और भी बदतर है, वहां केवल 5 से 6 घंटे ही आपूर्ति मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या विश्व बैंक फीडर की लाइन पे है, यह लाइन जो विश्व बैंक से जुड़ती है इस लाइन पे सबसे ज्यादा आपूर्ति बाधित रहती है। कई ग्रामीण जो विश्व बैंक में रहते हैं उनका जो दावा है कि वहां तो महज 3 से 4 घंटे या तो पूरे पूरे दिन विद्युत के दर्शन तक नहीं होते हैं। जो विश्व बैंक फीडर की लाइन है वो पूरी तरह से आपूर्ति बाधित रहती है। शहरी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ लगभग 10.5 से 12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। दिन भर में 5 से 6 बार जो कट लगते हैं, करीब 2-2.5 घंटे के कट लग जाते हैं। इसके अलावा रात में 3-3 घंटे के विद्युत कट लगा जाते हैं, जिससे जो शहरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था है वो तो लड़खड़ाई हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की हालत इतनी बदतर है कि जो कट एक जो विद्युत का रोस्टर है वो खत्म नहीं होता है और अगली रोस्टिंग जो है वो उसी में जुड़ के चालू हो जाती है। तो कई बार ये जो ग्रामीण इलाकों में विद्युत रोस्टिंग है वो 6-6 घंटे की जो कट है वो शुरू हो जाता है। तो ग्रामीणों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि उनके जो उनको विद्युत के दर्शन है वो 6-6 घंटे बाद के लाइट के दर्शन हो पाते हैं। तो रात में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि महमूदाबाद में अगर मैं 29 अप्रैल की बात करूं जो कल था, कल पूरे 24 घंटे में करीब शहरी क्षेत्र में 11 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा लाइन ट्रिक और ओवरलोड के चलते भी कई बार 2-2, 3-3 घंटे विद्युत आपूर्ति। तो कुल मिलाकर के अगर 29 अप्रैल की मैं बात करूं तो 12 से 13 घंटे विद्युत कटौती हुई है, जबकि यही ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 17 घंटे तक गई है। आज की बात करूं 30 अप्रैल को, तो ये शहरी क्षेत्र में अब तक 5 से 5.5 घंटे की विद्युत कटौती हो चुकी है, जबकि अभी जो टाइम हुआ है अभी काफी टाइम शेष है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये कटौती 10 घंटे तक पहुंच चुकी है। तो शहरी और ग्रामीण दोनों जगह जो है विद्युत कटौती भारी मात्रा में हो रही है। इस समय अगर देखा जाए समस्याओं की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर तापमान 41 से 42 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो एक बड़ी समस्या हो रही है कि न तो पंखे चल पा रहे हैं और न लोग कूलर के सामने बैठ सकते हैं। AC तो खैर सोफी साबित हो ही चुके हैं लोगों के घरों में जो लगे होंगे,
इसके अलावा उपकरण जो है मोबाइल तक लोग नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या ये भी है पंकज जी कि यूपीएससी यूपीपीसीएस के अलावा कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं मई और जून में प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और ये आपके यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं लगभग इस समय प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती परीक्षार्थियों के सामने है, विद्यार्थियों के सामने है कि भीषण अवधि के बीच, गर्मी के बीच, मोहम्मदी और अपने अन्य वैकल्पिक सुविधाओं के सहारे बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया आयुष। और ये बताइए कि विद्युत के अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई होगी, क्या कुछ कहना है? वहां पर काफी विद्युत के क्षेत्र में कार्य भी हुए हैं, लेकिन उसका लाभ मिल पा रहा क्षेत्र को? जी, मैं आपको बताऊं तो महमूदाबाद, अगर सीतापुर जनपद की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत उपकेंद्र अगर कहीं पर बने हुए हैं तो महमूदाबाद में बने हैं। महमूदाबाद शहरी क्षेत्र में 33/11 केवीए 132 केवीए के दो पावर हाउस हैं जो शहरी और एक बड़े डिस्कॉम को अलग करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कंचनपुर, देवरिया, पैंतेपुर और आपका रामपुर मथुरा और रेवसा भी कहीं ना कहीं से महमूदाबाद से थोड़ा बहुत टच करता है। इस आपका जो इसके अलावा कई करीब आधा दर्जन पावर हाउस जो है वो महमूदाबाद में बने हुए हैं, जिनके जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। महमूदाबाद में जो 33/11 का 132 केवीए का सबसे बड़ा सब स्टेशन है, वहां से आपूर्ति शुरू होती है और वो पूरे महमूदाबाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलती है। एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो विद्युत अधिकारियों का दावा है कि सरकारी आंकड़ों पे महमूदाबाद शहरी क्षेत्र को 21.5 घंटे की विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिसमें और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति सरकारी आंकड़ों में क्षेत्र को मिल रही है। बिल्कुल, जो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, कागजी आंकड़ों में जो है मौसम गुलाबी बना हुआ है, जैसा कि सरकारी आंकड़ों में देखा गया है। तो ये था हाल महमूदाबाद तहसील इलाके का, जहां पर 22 साल बाद वहां के लोगों ने कमल खिलाने का काम किया। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति इस बार बिजली की देखने को मिल रही है। जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद बिजली की भारी कटौती होने लगी और आलम यह तक है कि ग्रामीण इलाके में कब बिजली आएगी, कब बिजली जाएगी, इसका पता नहीं चल पा रहा। और जो बिजली आ भी रही है उसका वोल्टेज इतना कम है कि जो एसी है वो सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहे हैं और किसी काम के नहीं है। तो ये हाल हमें बता रहे थे महमूदाबाद तहसील से संवाददाता आयुष जैन। आयुष, आपने बहुत सारी जानकारी दी बिजली को लेकर। हम उम्मीद करेंगे कि जनहित से जुड़ी हुई हर एक समस्या को आप सबसे पहले आई इंडिया के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी से सटे सीतापुर में बिजली की क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बिजली को लेकर के, और बिजली के क्या हाल हैं जो सप्लाई हो रही है? शहरी इलाके में कितनी बिजली मिल रही है और ग्रामीण इलाके में कितनी बिजली मिल रही है? हम लगातार यानी आई इंडिया ये समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, हकीकत बता रहा है कि कितनी बिजली इस समय मिल रही है। तो हमने सबसे पहले आपको लहरपुर तहसील का हाल दिखाया और उसके बाद आपको महमूदाबाद तहसील से आपको रूबरू कराया, और अब हम आपको ले चलते हैं सिधौली तहसील, जहां पर आई इंडिया के सिधौली तहसील संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें वहां पर बिजली को लेकर बड़ी दयनीय स्थिति है। तो लोगों से बातचीत की है राजेश यादव ने और विद्युत के अधिकारियों से भी आज जानने का प्रयास किया है कि क्यों नहीं बिजली आ रही है, क्यों कम सप्लाई हो रही है। तो राजेश, ये बताइए कि बिजली सिधौली तहसील इलाके में कितने घंटे आ रही है और जो बिजली आ रही है क्या वोल्टेज उसका ठीक है? विद्युत के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी, पूरे प्रदेश सहित जनपद के सिधौली क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती की किल्लत सभी व्यापारी, किसान एवं आम व्यक्ति झेल रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्ग का कहना है कि उनके प्रतिष्ठान पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जबरदस्त कटौती के कारण इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। जो कुछ देर के लिए राहत देते थे वो भी उनका काम बंद है। तो वहीं उन किसानों का भी बहुत बुरा हाल है जिनकी सिंचाई समरसेबल से होती थी। उन किसानों का भी कहना है कि 3-4 लाख रुपए खर्च करके हमने बोरिंग कराई और बिजली का कनेक्शन लिया। अब उनकी सब्जी की फसल तथा मेंथा की सूख रही है। हमने उन छात्र छात्राओं से भी बात किया जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा दे रहे हैं। उनका कहना है कि 40 से 42 सेंटीग्रेड के तापमान में
बिना पंखा कूलर के तैयारी कैसे की जाए, और वो बड़ी मुश्किल भरी तैयारी स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि रात को गर्मी में हम सो नहीं पाते हैं, जिससे सुबह परीक्षा में उनको कई चीजों का सामना करना पड़ता है तथा परीक्षा में कुछ उनका कहना है गलत क्वेश्चन आंसर दे आते हैं। वहीं बिजली विभाग के सिधौली एसडीओ शैलेंद्र कुमार से जब बात किया तो उन्होंने वही नपा तुला जवाब दिया कि समस्या सभी के जानकारी में है, शासन प्रशासन इस बात को जानता है और इस समस्या के समाधान के लिए सभी स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं और शीघ्र ही समस्या का समाधान हम करवा देंगे, तो करवाने के बाद आपको बता देंगे, ऐसी बात शैलेंद्र कुमार से हुई है। जी बिल्कुल राजेश, तो ये बताइए कि सिधौली जो है तहसील वो राजधानी से बिल्कुल सटी हुई है, अगर हम बात करें तो शहरी इलाके में कितनी बिजली मिल रही है और ग्रामीण इलाके में कितनी बिजली मिल रही है? इस समय शहरी इलाके में भी 3 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, पूरी रात लोग बैठे बैठे काट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सो नहीं पा रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 से 3 घंटे ही बिजली आज तक मिल पाई है और आज दोपहर से यहाँ ग्रामीण एरिया में 4 घंटे बिजली मिली है अभी तक। तो ये बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है तहसील सिधौली से कि 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, ये हाल है। क्या छात्र, क्या किसान, क्या नौजवान, सभी का बुरा हाल है। और तहसील सिधौली के संवाददाता राजेश यादव ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की है, छात्रों से बातचीत की है, किसानों से बातचीत की है और जो है व्यापारियों से बातचीत की है। अलग अलग सबकी परेशानियां हैं, गर्मी से हाल बेहाल है, ऐसे में बिजली का 3 से 4 घंटे मिलना अपने आप में एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से जो है तहसील सिधौली के लोगों को जूझना पड़ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द समस्या ये दूर होगी, जिम्मेदार इस पर अमल करेंगे। चुनाव के बाद बड़ी परेशानी आई है सामने, ऐसे में बहुत सारे योगी सरकार के मंत्री खासकर मंडलों में जिलों में भ्रमण पर हैं, कहीं ना कहीं बिजली की समस्या को लेकर उन्हें भी दो चार होना पड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार के सामने बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था को वापस लाना एक बड़ी चुनौती है। और सीतापुर पिछले दिनों जब नैमिष सारण ऊर्जा मंत्री एके शर्मा आए थे तो हमने खास बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिजली सप्लाई में बाधा पहुंची है, इसके लिए उन्होंने प्राकृतिक और तकनीकी दोनों खामियों को बताया था, दोनों कारणों से लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बहुत जल्द ही बिजली व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। अब उम्मीद करे जनता कि इस भीषण गर्मी से निजात दिलाना है तो जल्दी से जल्दी बिजली व्यवस्था को सबसे पहले दुरुस्त करना है। राजेश, आपने बहुत बारीकी से हमको जानकारी दी और लोगों से बातचीत की, फिलहाल हम उम्मीद करेंगे जनहित की समस्याओं को लेकर आगे भी आप इसी तरीके की जानकारियां देते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई इंडिया लगातार दर्शकों के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा है कि बिजली के क्या हाल है सीतापुर में, क्योंकि दर्शक लगातार आई इंडिया को इस आशय के फोन कर रहे थे कि बिजली व्यवस्था बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है, इस मुद्दे को भी जिम्मेदारों तक पहुंचाने का आप काम करिए। तो हमने तय किया कि आज आई इंडिया के जितने भी तहसील संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, लोगों से जानकारी जुटाएंगे, विद्युत अधिकारियों से वार्ता करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिजली कितनी मिल रही है इलाके में और क्यों ये नौबत आई है। तो इस समय हम आपको बिसवा तहसील इलाका लेकर चलते हैं, वहाँ पर आई इंडिया के संवाददाता अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि अमित ने वहाँ के व्यापारियों, किसानों और विद्युत अधिकारियों से जानकारी जुटाकर जो हमें वहाँ का निचोड़ बता रहे हैं वो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। अमित, ये बताइए कि बिसवा तहसील इलाके में कितनी देर बिजली आ रही है, खासकर कस्बे में और ग्रामीण इलाके में? देखिए, जहाँ तक कस्बे क्षेत्र का सवाल है तो कस्बे में 24 घंटे में मात्र 8 से 9 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल पा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 3 से 4 घंटे की आपूर्ति मिल रही है। जी, तो क्या कहना है, व्यापारियों को क्या दिक्कत आ रही, किसानों को क्या दिक्कत आ रही, छात्रों को क्या दिक्कत आ रही, जरा सा उस परेशानी को भी बयां करिए। परेशानी बिल्कुल, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, अभी तो न
जो है फीस ये जो लाइट है रोस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। रोस्टिंग का मतलब यह है कि विद्युत 8 से 9 घंटे जो विद्युत आपूर्ति होती है उसमें 30 से 40 मिनट आने के बाद फिर आधा आधा एक एक घंटे के लिए विद्युत कटौती हो जाती है। जी बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो सभी परेशान हैं, सभी परेशान चल रहे हैं। बच्चों को तो मोमबत्ती और बैटरी के सहारे जो है पढ़ना पड़ रहा, पढ़ाई कर रहे हैं। और जहां तक घरेलू लोग हैं उन्हें तो पानी की भी समस्या और बिजली का पानी की समस्या हो रही है। लोग नहाने के लिए तरस गए हैं, लोग बाहर हैंडपंपों का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, और बिजली के चलते पानी की भी अब समस्या खड़ी हो रही है क्योंकि बिजली पर निर्भर है पेयजल व्यवस्था। ऐसे में अब उनके सामने बड़ी दिक्कत आ रही है, मोमबत्ती के सहारे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। विद्युत के अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं अमित? विद्युत अधिकारियों का कहना है कि ये हमें ट्रांसमिट जो हम लोग हमारा लोगों का जो हमारे हमें मेरी वार्ता SDO विशाल शर्मा से हुई है जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं उनका कहना है कि हमें जो है ट्रांसमिशन के माध्यम से जो विद्युत आपूर्ति है वो महज 12 से 13 घंटे मिल पा रही है जिसमें हम 8 से 9 घंटे ही दे पा रहे हैं। और उसका सिर्फ कारण है कि विद्युत की कमी है, बिजली की कमी है। उनका ये कहना है, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था लगभग अभी कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे इस व्यवस्था को सही सुधरने में। ऊपरी उच्च अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें 10 से 15 दिन अभी लग सकते हैं जो आपूर्ति हमें नॉर्मल होने के लिए चाहिए। तो आने वाले दिनों में भी बिजली में बहुत जल्द सुधार होने की गुंजाइश कम है। बिसवां तहसील के संवाददाता अमित जायसवाल ने SDO से बातचीत की, उनके मुताबिक अभी सुधार में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी निश्चित तौर पर जो बिजली की कटौती है, बिजली की जो किल्लत है वो भी विकराल होगी बजाय सुलझने के। तो परेशानियों से आप दो चार होने के लिए तैयार रहें। जो परेशानियां इस समय जनता झेल रही है वो सबसे ज़्यादा बिजली कटौती को लेकर झेल रही है और आई इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। हमने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से भी बातचीत कर जानने का प्रयास किया था, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बहुत जल्द ही बिजली व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद कम ही दिख रही है। हमने आपको बिसवां तहसील का हाल बताया और बहुत सारी जानकारी हमें वहां के आई इंडिया संवाददाता अमित जायसवाल ने दी। अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीतापुर में बिजली सप्लाई का हम लगातार हाल आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तहसीलवार आपको जानकारी दे रहे हैं एक एक तहसील की जानकारी। लहरपुर, बिसवां, सिदौली, महमूदाबाद की जानकारी हमने आप तक पहुँचाई। अब बारी है मिश्रिक की, ये धार्मिक स्थल है और यहाँ के हालात क्या हैं। पांचवीं बार यहाँ पर रामकृष्ण को जनता ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। आज़ादी बाद पहली बार 2017 में कमल खिलाने का काम मिश्रिक क्षेत्र की जनता ने किया था, दोबारा फिर एक बार विधायक बनाने का काम किया है रामकृष्ण को जनता ने। आखिर तीर्थ स्थल में बिजली की सप्लाई का हाल क्या है उसी इलाके में। दो दिन पहले सूबे के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी पहुंचे थे नैमित सारण के एक कार्यक्रम में। नैमित सारण से तो अच्छी खबर आ रही बिजली सप्लाई की, लेकिन तहसील मुख्यालय मिश्रिक है और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में क्या हाल है हम आपको बताने जा रहे हैं। तहसील संवाददाता मिश्रिक के आलोक वर्मा जुड़ चुके हैं। आलोक, ये बताइए आपकी किससे किससे बातचीत हुई है और क्या कुछ निकल करके आ रहा है बिजली सप्लाई को लेकर? जी, आपको बता दें कि मिश्रिक विश्वविख्यात महादधीज की तपोस्थली कही जाती है और यहाँ मिश्रिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बेपटरी होने से उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं। 24 घंटे में महज 3 व 4 घंटे ही विद्युत आपूर्ति लोगों को मिल पा रही है। यहाँ पर अधिवक्ता राम भक्त सिंह अध्यक्ष, पूर्व अधिवक्ता संघ और सुरेंद्र कुमार सिंह अध्यक्ष बार एसोसिएशन मिश्रिक और साथ ही ज्ञानेश कुमार जो SDO है मिश्रिक से, उनसे बात की गई तो ये निकल के आया है कि अघोषित कटौती के चलते कारोबारियों का धंधा पूरा चौपट हो रहा है। दुकानदार बिजली न मिलने से जनरेटर से काम चला रहे हैं, लेकिन महंगे डीजल के कारण मुनाफा निकालना भी उनको मुश्किल पड़ रहा है। आप बता दें कि मिश्रिक कस्बे में बिजली गुल होने पर पेयजल की समस्या
सबसे गहरा जाती है। यहाँ पर हैंडपंप भी खराब है, कुछ लोगों के घरों में पानी और नहाने का भी संकट खड़ा हो रहा है। और सबसे अहम समस्या बिजली से यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो यहाँ का बीएसएनएल नेटवर्क जो विद्युत के सहारे ही हो गया है। विद्युत न रहने पर बीएसएनएल नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त रहता है, जिससे सरकारी तंत्र पूरी तरह से जो मोबाइल का प्रयोग करता है उसका नेटवर्क नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। चूंकि आज का युग मोबाइल का युग कहा जाता है और ऐसे में बिजली सप्लाई पर्याप्त न मिलने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते हैं और बीएसएनएल खासकर जो नेटवर्क है, जो सरकारी सीयूजी नंबर बटे हुए हैं, वो सेवा पूरी तरीके से ठप्प होकर रह गई है। ये हालात हैं धार्मिक स्थल मिश्रिक इलाके के, जहां से आलोक वर्मा हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वहां बिजली की सप्लाई है, कितनी बिजली सप्लाई लोगों को मिल पा रही है। और उन्होंने कुछ वकीलों से भी बातचीत की है, ये सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। इस समय मिश्रिक परिक्षेत्र में 3 से 4 घंटे लाइट आती है, वो भी हर आधे घंटे 10 मिनट बाद कट करके आती है। कहीं 20 मिनट बिजली चलती है, कहीं 15 मिनट बिजली आई, कहीं आधा घंटा रुक गई, कुछ नहीं, सारी व्यवस्था चौपड़ा गई। और गन्ना सब सूख रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, समर वाले चला रहे लाइटें ना, तो बेचारे क्या करें, आदमी पर दिन भर परेशान, हर गारे पाई पड़ा रहा। समय बिजली बहुत बड़ी समस्या है, किसान त्रस्त है, गन्ना सिंचाई ना हो पा रही है। आपने सुना कि क्या क्या दिक्कतें हैं मिश्रिक इलाके में बिजली को लेकर। आलोक, ये बताइए कि कुल कितने घंटे बिजली मिश्रिक इलाके में मिल रही है। जी, इस समय वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे 3 व 4 घंटे 24 घंटे में विद्युत आपूर्ति मिल रही है। लेकिन वहीं एसडीओ ज्ञानेश कुमार से फोन पर जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कस्बे में 11 घंटे विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण इलाके में 9 घंटे विद्युत आपूर्ति देने का दावा कर रहे हैं। वहीं जेई सुमित कुमार का कहना है कि 21 घंटे विद्युत मिलने का प्रावधान है, लेकिन रोस्टिंग बहुत अधिक हो रही है। बिल्कुल, दावे अपने अपने हैं लेकिन हकीकत बिल्कुल विपरीत है। आप ग्राउंड जीरो से जानकारी लाए हैं, लोगों से बातचीत की है, जिनको जितने घंटे बिजली मिल रही है, लोगों ने बताया कि 3 से 4 घंटे ही बिजली मिश्रिक तहसील इलाके में पर बामुशक्किल मिल रही है और उस पर भी रोस्टर हो जा रही है। रोस्टर के मुताबिक जो है बार बार रोस्टिंग कर दी जा रही बिजली, इससे बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। तो आलोक, आपने हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई इंडिया लगातार सीतापुर की 7 तहसीलों का हाल बता रहा है कि वहां पर बिजली कितने घंटे मिल रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों का बहुत ही बुरा हाल निकल करके सामने आ रहा है। हमने आपको तहसीलवार जो है जानकारी देने का प्रयास किया है ताकि जिम्मेदार और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हाल ही में जनता ने चुना है और जिनकी एक बार फिर चुनने की बारी आ रही है, वो समय रहते चेते और सीतापुर के लोगों को इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती से मुक्ति दिलाएं। तो अब बारी है मोहली तहसील इलाके की। आपको बता दें कि यहां पर दूसरी बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक त्रिवेदी को चुनने का काम किया है और इसी इलाके की धौरारा लोकसभा सीट पड़ती है, वहां भी दूसरी बार सांसद चुना है भारतीय जनता पार्टी का रेखा वर्मा को। इसके बावजूद बिजली की कटौती से ये इलाका भी अछूता नहीं है। हम सीधे चलते हैं मोहली से आई इंडिया के संवाददाता सर्वेश मिश्रा के पास। सर्वेश, ये बताइए कि शहरी और ग्रामीण इलाके में बिजली की कितनी सप्लाई हो रही है और इससे क्या क्या लोगों को दिक्कतें आ रही हैं? सर, आपको बता दें अभी लगभग पिछले 5 दिनों से बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है मोहली में। लगभग अभी आज की जो स्थिति देखे उसमें आप तो कुछ ठीक रही है, करीब करीब 12 से 14 घंटे अभी तक चली है। लेकिन पिछले अगर 5 दिन की मैं बात करूं सर, तो लगभग 5 से 7 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। वहीं सर ग्रामीण आंचलों की स्थिति यह है कि वहां कम से कम 18 घंटे कटौती की गई। अभी कुछ ग्रामीणों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा भैया कम से कम हमको 3 से 4 घंटे बहुत मुश्किल से बिजली मिल पा रही है। वहीं सर जब अधिकारियों से इस बारे में मैंने संपर्क करने कोशिश की तो किसी का भी नंबर, वही संबंधित जेई और एसडीओ का नंबर जो जब मिलाया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जी सर, बिल्कुल। तो मोहली के जो एसडीओ हैं और जेई हैं
उनकी अमूमन ये शिकायत रहती है कि वो फोन नहीं उठाते हैं। आपने कितनी बार फोन मिलाया और उन्होंने फोन नहीं उठाया? मैंने टैक्स सर मैंने टैक्स मैसेज उनको किया है और एसडीओ साहब का दो बार फोन मिला, जेई साहब का तीन बार मैंने कॉल की लेकिन फोन नहीं उठा। तो ये हालात हैं मोहली तहसील इलाके के विद्युत अधिकारियों के। तो ये बताइए कि जब बिजली इतनी कम मिल रही है तो उससे क्या क्या परेशानी हो रही है? अभी जो इस समय जो उनका काम चल रहा है इलेक्ट्रिक वालों का, उनको बहुत ज्यादा इससे परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उनके पास बिल्डिंग मशीनें हैं, पावर कनेक्शन है, वही कुछ कारखाने बहुत मोहली में लगे हुए हैं, उन पे भी लाइटें नहीं आ रही हैं। इसके लिए लगभग जो व्यापार है सर पूरी तरीके से प्रभावित है। रात में जो इस समय सहालक का सीजन चल रहा है, रात में जो व्यापारी खुद दुकान वही 9 बजे तक खोलते थे, स्थिति आज की ये है कि उनको 6 बजे तक दुकान, 7 बजे तक उनकी अंधेरे में रहती है, बंद करके वो घर चले जाते हैं। तो ये आलम है, ये हालात हैं बिजली न होने के कारण। इस बार बिजली को लेकर जो परेशानी समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है उससे सीतापुर भी अछूता नहीं है। सीतापुर की 7 तहसीलों में बिजली की बहुत ही दयनीय दशा है। हालांकि सीतापुर 2 दिन पहले आए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ये आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द ही बिजली की समस्या को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन सीतापुर में इसके उलट बिजली की समस्या गहराती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की ओर से अभी तक कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है, ना ही कोई मांग की जा रही है। हाल ही में वो चुनाव जीत कर आए हैं, जनता से लगातार माला पहनकर और जयकारा लगवा रहे हैं, लेकिन जनता की इस परेशानी में कहीं भी खड़े वो नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी बिजली की समस्या बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और आज हमने 7 तहसीलों का हाल पहुंचाया आप तक। आगे हम उम्मीद करेंगे कि 1900 विकास खंडों का भी हाल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सर्वेश आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश, आप देखते रहिए आई इंडिया, और अपने इलाके की कोई भी अगर महत्वपूर्ण समस्या है तो ज़रूर हमें कमेंट के जरिए बताएं। हम उम्मीद करेंगे कि उस समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।